तो फाइनली दोस्तों स्वागत मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ से आप देख ही सकते हो कि ये मैं एक शादी में आया हुआ था। यहाँ फुल व्यवस्था यहाँ से की गई थी डांस प्रोग्राम की। एक तिलक था मेरे यहाँ बुआ जी के यहाँ, तो आप पूरा लुत्फ़ यहाँ से ले सकते हो। आपको ओरिजिनल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर, दूसरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर दिखाता हूँ तो उसमें कॉपीराइट का इशू है, इस कारण से मैं आपको आवाज़ म्यूट करके यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हो। ये बस स्टैंड है यहाँ से यूपी का, तो यहाँ से आया हुआ था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे निकलूँगा तो उसमें आपको वीडियो में पूरा दिखाई देगा क्या ही है। लेकिन क्या बारिश का सीज़न है, तो इस कारण से कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, इस कारण से थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। और ये दोस्तों ये यूपी और एमपी के बॉर्डर की एक नदी है, यहाँ इस नदी को पार करके हम लोगों को उधर जाना है एक साइड पे। यहाँ से देख सकते हो अच्छी खासी धूप है, नदी भी अच्छी खासी बाढ़ पर आई हुई है। यहाँ पर अभी पानी हाल ही में गिरा था, तो यहाँ से बाइक नहीं आ सकती। यहाँ पर देख सकते हो चारों ओर पानी पानी है, आप पैदल ही यहाँ से आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप रोड से आएंगे तो बहुत ज़्यादा फिरता पड़ जाता है। उधर बांदा साइड से आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए नाव उधर है, हम लोग वेट कर रहे हैं नाव का। ये देखिए वो दिख रही है नाव, तो वेट करते हैं तब तक में नाव आ रही है। तो एकदम बहुत हरियाली है, अच्छा दिखाई भी दे रहा है। पूरा यहाँ पर पहाड़ी था, तो यहाँ पर सब मतलब खोदे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर साइड पे जब आया था तो जामुन पकी हुई थी, तो हेल्पर के साथ यहाँ से जामुन खाने आए थे। यहाँ पर देखो बहुत तगड़ी यहाँ पर जामुन फरी हुई, एकदम एक आधी तो इस कुएं में गिर जा रही है जामुन, लेकिन इधर भी आपको खाने के लिए इस रात मिल जा रही है। तो खाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये साइट है, यहाँ पर बालू का डंप लगा हुआ है, यहीं पर ट्रक आते हैं। ज़्यादातर यहाँ से यूपी का ही क्षेत्र है, ये यूपी का ही है, तो यहाँ पर बालू लेने आते हैं। और मौसम देखिए बहुत ख़तरनाक है, पानी गिरने ही वाला है। देखिए बदली कितनी ज़्यादा यहाँ पर छाई हुई है, लगता है अभी एकदम गिरेगा बहुत तगड़ा। तो बस इसी तरह यहाँ पर एक कैंप बना हुआ है, यहीं पर पढ़ते हैं कैंप में, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो टेंट में तो आप रह नहीं पाओगे। और ये है काना कंस्ट्रक्शन का। यहाँ से क्या है कि ये जो हैं ये साउथ कोरिया के हैं, आए हुए थे यहाँ पर हिनौती में। यहाँ पर देखिए तो वही चेक करने के लिए आए हुए थे कि ब्रेकर चल रहा कि नहीं चल रहा बराबर। तो देखिए उनको इतनी गर्मी में भी देखिए कितना ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं। और ये अपने सतना का है, कोई सा यहाँ से त्यौहार था उसका आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा ये बस स्टैंड का है सिमरिया चौराहा का। यहाँ पर पूरा एकदम अच्छा खासा भव्य आयोजन हो रहा था। इसके बाद फिर मैं गया था ये मैहर का रिलायंस का प्लांट के अंदर का है, वहाँ पर एक मुझे काम था, इस कारण से मैं गया हुआ था प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो एक प्लांट के अंदर फैक्ट्री, यहाँ पर सीमेंट बनाई जाती है मैहर में, रिलायंस का है। देखिए कैसा यहाँ से दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पर मतलब सूट उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, मना है। देखिए रात में तो और अच्छा दिखाई देता है, इस तरह दिन में तो ऐसा था लेकिन रात में बहुत अच्छा गजब का यहाँ से दिखाई देता है। और ये एक साइट है, यहाँ भी आया हुआ था। देखिए आपको टोटल यहाँ पहाड़ दिखेगा और एकदम यहाँ से मांस दिखेगा। ये है सीधी साइट का है, ये पिपराही के आसपास का, वहाँ पर पत्थर यहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टोटल पहाड़, और मेन यहाँ है कि यहाँ पर आपको नेटवर्क एक भी किसी भी सिम का नहीं मिलने वाला है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से देखिए रात में आपको कुछ ऐसा व्यू यहाँ से दिखाई देगा
ये देखिए जाम लग गया था, उसी का बना गया था, पता नहीं क्या है एक्सीडेंट या कुछ और कारणवश हो गया था, इस कारण से पूरा यहाँ से रास्ता जाम हो रखा था, उसी में हम लोगों को लेट हो गया था। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ चित्रकूट में रुका हूँ, ये 3 स्टार होटल में, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसका टूर पूरा पूरा। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे यहाँ पर टीवी लगी हुई है, यहाँ पर ये बेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तूफान आया हुआ है, इस कारण से मैं गाँव नहीं जा पाया, यहीं पर होटल पर यहाँ पर स्टे कर लिया। तो ये गेट है, यहाँ पर लॉक है, ये खिड़की यहाँ से देख ही सकते हो। इसके बाद ऊपर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एसी है, ये देखिए वोल्टेज का, ये देखिए एसी नॉन एसी है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये टीवी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर फर्श है, मेरे जूते यहाँ पर उतार लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर केबल के चार्जर के लिए है, वहाँ पर एक मोबाइल मेरा चार्ज में लगा हुआ है, और देखिए एक ब्लूटूथ रखा हुआ है, ये लंच है खाना खाने के लिए। इसके बाद ये सॉकेट है, बैग और वो रखा हुआ है, ये पूरा बेड तो एकदम फुल फैसिलिटी 3 स्टार होटल है। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों रहते हैं। इसके बाद ये बाथरूम है, यहाँ से देखिए एकदम फुल है जैसे रहते हैं बाथरूम। इसके बाद यहाँ पर हाथ धोने के लिए है, और ऊपर यहाँ पर देखिए ये है एकदम बहुत महंगे रूम है, यहाँ सब नहीं है। ये रूम है हमने यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फुल फैसिलिटी है, यहाँ पर ये खिड़की है। इसके बाद यहाँ पर ये जूते रख लिए हैं, पूरा सामान यहाँ पर रख दिया हूँ, मोबाइल एक चार्जिंग में लगा हुआ है, और एयरबैग सभी बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए खाना रखा हुआ बैग, और ये बेड है डबल बेड है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर टीवी चल रही है, और ये डोर है रखने के लिए सॉकेट, और वहाँ पर एसी रखी हुई है, और यहाँ पर ये लेटरिन, मतलब फुल व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह से हो। और ये चित्रकूट के सुबह का सीन है, जहाँ पर मैं होटल में रुका हुआ था वहीं पर देखिए 5 स्टार होटल में। तो यहाँ देखिए ये सुबह सुबह आपको बहुत कम ही लोग दिखाई देंगे, एकदम सुबह है, बहुत गजब का है। जैसे जैसे दिन होता जाएगा भीड़ आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। मेन रोड है ये चित्रकूट का, इसी होटल पर मैं रुका हुआ था। यहाँ से देखिए अभी तो अच्छे से दिन नहीं हुआ है, मेरी नींद पहले ही खुल गई थी, तो मुझे सुबह सुबह निकलना भी है। ये होटल आपको मैंने टूर दिया ही था, और एक ये ऐसे ही आपको दिखाई देता है, देखिए ये एक रीवा का होटल है, जो रीवा में फेमस होटल है ना उसी का है। यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, पूरा होटल भी है आप तो यहाँ रुका हुआ यहाँ से देख सकते हैं पूरा एकदम, ये भी एकदम 5 स्टार होटल ही जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप शादी या कुछ फंक्शन होता है यहाँ पर कर सकते हो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए कुछ भी, तो डायरेक्टर निकालते हैं घर के लिए, तो मैं आपको यहाँ से रूम चूज करवा दिया हूँ। तो सस्ता रूम यहाँ बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये चित्रकूट है, पवित्र नगरी है एकदम से, तो यहाँ पर बहुत महंगे महंगे रूम मिलते हैं, खासकर डबल बेड मिलते हैं। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर डबल रहते हो तब तो सही है। देखिए जैसे ये मेरे पीछे भी है, तो ये डबल बेड ही है, सिंगल बेड आपको यहाँ पर बहुत कम होटलों में यहाँ से मिलने वाला है। तो यही है, मैं कल जो टूर है वो मैं देने वाला हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप वीडियो किसी तरह से देखते रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।